संडे संडे हाय दैया विद रवि भैया गर्दा उड़ा देंगे। वंडरफुल। तो ये बिग बॉस का घर मेरे लिए बहुत ही बहुत लकी रहा, बहुत आंसर्स मिले लाइफ के। क्या ईश्वर की कृपा की दोबारा आई, करण राव को धन्यवाद, आमिर खान को कि लापता लेडीज, देन सिंघम, देन मामला लीगल है, एंड देन नाउ बिग बॉस। आई डोंट थिंक सो ही विल एवर से नो टू बिग बॉस। एंड उनके अलावा भी फिलहाल मुझे वही एक लेजेंडरी चेहरा जो बिग बॉस के फेस के साथ जुड़ा, बिग बॉस एंड सलमान, दे लाइक यू नो एक ही फेस ऐसे लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पर। देखते रहिए, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। एक्टिंग, कॉमेडी, होस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं कर सकते। ऑडियंस इसको एंटरटेन करते करते ये नहीं थकते। इनफैक्ट भोजपुरी सिनेमा को जिंदा रखने का पूरा किया है इन्होंने ही मिशन। वेलकमिंग सर रवि किशन इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। इंडिया फोरम्स के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, हाउ आर यू डूइंग फर्स्टली? आई एम वेरी गुड, थैंक गॉड एंड महादेव की कृपा है कि 34 साल 35 साल हो गए 750 फिल्म और देश को एंटरटेन कर रहा हूँ। और बिग बॉस में जहाँ मैं 18 years back एक पार्टिसिपेंट था, अब वहां पे उस शो को चूंकि फॉर्मेट को जानता हूं मैं, तो उसको होस्ट करने का मौका मिला और देश पसंद कर रहा है और सबको पसंद आ रहा है, उसके लिए पूरे देश को धन्यवाद कि और बिग बॉस को धन्यवाद, खास करके उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी फेवरेट जगह है ये, मैं ये इस जगह ने मेरी जिंदगी को बदला, बहुत कुछ दिया इस जगह ने। एक मुझ पर एक तमका था रीजनल सिनेमा का, वो निकल के मैं मणिरत्नम सर की फिल्म, श्याम बेनेगल की फिल्म, हिंदी सिनेमा में दोबारा आया जहां से मैंने शुरुआत की थी। तो ये बिग बॉस का घर मेरे लिए बहुत ही बहुत लकी रहा, बहुत आंसर्स मिले लाइफ के, बहुत ब्लॉकेजेस थे मेरे, बहुत कुछ खुल गए, बहुत नॉट्स खुले यहाँ पर। जैसे कि आपने कहा कि बिग बॉस आपको बहुत कुछ दिया है, हिंदी सिनेमा में आपका प्रवेश और ऐसा प्रवेश हुआ है कि सीधा ऑस्कर तक पहुंच गए। जी, ऑस्कर तक पहुंच गए। ये देखिए ना, लापता लेडीज, वही रवि किशन, वही इंसान जिसको लोग भूल रहे थे, उसमें मैं पॉलिटिक्स में आ गया, मैं सांसद बन गया गोरखपुर का और वो सब रही लेकिन यात्रा। फिर क्या ईश्वर की कृपा की दोबारा आई, करण राव को धन्यवाद, आमिर खान को कि लापता लेडीज, देन सिंघम, देन मामला लीगल है, एंड देन नाउ बिग बॉस। सर, आई वांट टू आस्क यू, इतने साल बाद ऐसा लग रहा है लाइफ हैज कम ऑन अ फुल सर्कल, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट तो आपने शो किया ही था, पर जब आपको ऑफर हुआ था कि यू नो आपको होस्ट करना है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट सेगमेंट बनाना है, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? आई गॉट वेरी एक्साइटेड बट सेम टाइम आई वाज लिटिल वॉरिड बिकॉज आई वाज नॉट enjoying them. Very honestly, I was not enjoying them when I watch every year the show. Wherever I am traveling, ये वो मुझे बिग बॉस का एक नशा है, मतलब एडिक्शन है कि मैं इसको हर सीजन को देखता ही देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर देखता हूँ। एंड बिफोर स्लीपिंग आई वांट भी मुझे इन्फॉर्मेशन की चाहिए। एक है मुझे कि कौन, बिकॉज आई नो देम, बिकॉज मैं 3 महीने रह चुका हूँ इस शो में, तो मुझे मिला वाला अब क्या करूंगा इन लोगों के साथ। ये शो आया, एक्साइटेड भी रहा, फॉर्मेट अच्छा लगा मुझे, क्रिएटिव टीम के साथ बैठक हुई और मेरा वरी यही था कि मैं उनको खोलूंगा कैसे, मेरा और कुछ नहीं था कि उन लोगों को बताऊं कि तुम्हारे अंदर के बच्चे को निकालना है इधर, जो बच्चा इस माया नगरी में, इस मुंबई शहर के चकाचौंध में, स्ट्रगल में, जिंदगी के सुख दुख में, हमारे अंदर का बच्चा जो मरते दम तक जिंदा रहता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। True. उसको अलाइव रखना है, वो बच्चे को मरने नहीं देना। एंड दैट किड कम्स आउट, देन गेम इज ऑन फाइन, बट यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, आप एंटरटेन भी कर रहे हो, आप खेल भी रहे हो, बट आप आनंद भी ले रहे हो। ऐसे हमारे सीजन में पता नहीं आप देख पाए थी कि नहीं, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। एक तो हम लोग हमने शो उस टाइम पे पहला सीजन था, we were not prepared, we were not planned the way they are planned. They're so over planned कि उसमें stupid लगने लगते हैं। बिल्कुल। तो that is why I tell them not to plan, just go with the flow. Like, you know, when they go with the flow, this show is the best show for them, for their career, for their stardom, for their for the answers of their life. What they have all those blockages, they can come resolve them. दोस्ती क्या है, परिवार क्या है, आप क्या हो, ईश्वर क्या, अध्यात्म क्या है, प्लैनेट क्या है, धरती पर क्यों, इतने आंसर्स मिलते हैं। True.
एंड इट्स अमेजिंग शो पर इस सब में सर ये सब करते करते ना घर में रहते रहते एक साथ इतने दिन विदाउट फोन की किसी बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता इनका पर फिर देन दे रिसोर्ट टू वायलेंस कभी कभी हमें देखते आप पागल हो जाते हो अंदर सी आपको एक दिन सात दिन के बराबर लगता वहां समय कटता नहीं वही लोग वही चेहरे आप अपने परिवार को भूल जाते हो माइंड सेट इतना इस पूरा साइकोटिक खेल हो जाता है सडनली आपको हर आदमी पे शक होने लगता है कि अभी अब मैंने इसको हाथ से खाना खिला रहा था अंदर जाके वो मुझे नॉमिनेट कर दिया मैं इसके कपड़े धो रहा था या मैंने इसको ये दिया या इसको मैंने सर दबाया था या इसके पैर दबाए थे या इसको ये बीमार था तो मैंने इसको शोल्डर दबाया था या मैंने व्हाटएवर यू नो बहुत कुछ आदमी अंदर करता है इसके तो वो बड़ा दुखद होता है और वो और एवरी वीक आपको एक नए चेहरे आपको धोखा मिलना ही हर हफ्ते आपको सरप्राइजेस मिलने और वो आपको कीप गोइंग करता है बहुत मजेदार शो है बस उनको खोलना है सब खेलने आए सब में काबिलियत है चार पांच चेहरे तो आपको टॉप फाइव दिख रहे हैं बट मुझे वो चेहरे मैं देख रहा हूँ जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो वो चेहरे जो अंडरडॉग्स हैं जैसे मैं सबसे टॉप प्लेयर था और मैं फाइनलिस्ट रहा टॉप थ्री में चला गया था लेकिन राहुल रॉय उस टाइम पे ट्रॉफी जीता था तो ऐसे मुझे कुछ हैं दिख रहे हैं जिनको अभी हम लोग सिक्स्थ वीक है ना उनको खोलेंगे और वो लोग सरप्राइज भी करेंगे अभी चार पांच चेहरे तो विवियन है राजत है करण है चाहत है मिश्रा अविनाश है ये सब आपको तो दिख रहे हैं बट ऐसे वो चेहरे को प्रिडिक्टेबल खेल नहीं कर रहे Otherwise, it gets boring. For the audience also, it's like one-sided match हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आप हर सीजन बिग बॉस फॉलो करते हैं, तो बिग बॉस के फैन ही हो आप भी हमारी तरह। और जो बिग बॉस के फैन होते हैं, वो सलमान सर के फैन कैसे नहीं हो सकते? Do you think कभी अगर सलमान सर decides not to host Big Boss, can anybody replace that position? No, see, I'll tell you one thing. I don't think so. He will ever say no to Big Boss because that's what अभी now with so many years उनके सिस्टम में वो जेल कर गया ही एंजॉयज आल्सो दिस माइंड टॉकिंग ही एंजॉयज की कैरेक्टर बिल्डअप करना कैरेक्टर से बात करना समवेयर डाउन द लाइन इज ही वांट्स टू अनवाइंड सो दिस इज अनवाइंडिंग प्लेस फॉर हिम आल्सो सो आई डोंट थिंक सो ही विल एवर से नो टू बिग बॉस एंड उनके अलावा भी फिलहाल मुझे वही एक लेजेंडरी चेहरा जो बिग बॉस के फेस के साथ जो बिग बॉस एंड सलमान दे लाइक यू नो एक ही फेस ऐसे लगते हैं मुझे नहीं लगता देयर इज नो रिप्लेसमेंट नो देयर इज नो रिप्लेसमेंट वंडरफुल जाते जाते एक ही सवाल सर डू यू थिंक इस वीकेंड के वार में जो भी होगा क्या क्लास लगेगी अविनाश मिश्रा की बहुत लोग की छह लोग की लगी हाँ। मैं तैयार अभी मैं आपको बात करके फटकन जाना रे आत्मा दे चक्की वाट लावणार रे और अभी ऑडियंसेस चाहती है आपको और ज्यादा हिंदी देखना तो कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट अपकमिंग एक बहुत बड़ा सरप्राइज है मैं आपको वो है सन ऑफ सरदार 2 और बहुत ही हाँ बहुत विराट बहुत ही विपरीत रूप में हूँ ऑल थैंक्स टू हिम ओनली ही ओनली कॉल्ड ही ओनली सिंघम की शूटिंग के बाद तुरंत उन्होंने ही फोन किया कि संजय दत्त कुरुन काम फॉर बिकॉज ऑफ द वीजा इशू सो वैसा एक पावरफुल एक किरदार मेरा बना दिया और वो बहुत ही विराट है मेरे फैंस को बहुत पसंद आएगा और मैं अपने अद्भुत रूप में हूँ उसमें और पूरा आनंद है पूरा रस है रस मामला लीगल है सीजन 2 वी आर गोइंग टू शूट सून या फेब्रुअरी मार्च में हम लोग उसकी शूटिंग करेंगे तो फिलहाल ये है और बिग बॉस चल रहा है सो संडे संडे हाय दैया विथ रवि भैया गर्दा उड़ा देंगे वंडरफुल दैट इज ऑल दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस ऑन दिस नोट साइनिंग ऑफ दिस इज निकिता बागवान विद कैमरामैन बाबाजी इंडिया फोरम्स मुंबई इंडिया फोरम्स नाइस मीटिंग यू